आप क्यों नहीं पीटीवी रखे देखो ड्रामा करके। बस अब इंशाल्लाह कोशिश है, अपने बुढ़ापे में अब मैं आ गई हूँ। आपकी पहचान पीटीवी है। इंशाल्लाह अभी ड्रामा शूट करने जा रही हूँ, तो अब देखिए प्रोड्यूसर्स कहाँ भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहरीन सीम आप हमारी चीती कैसी हैं आप? चीती हमारी चीती कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम चीती। मैं आपको पहली कॉल करना चाह रही थी, मर गई मैं, मेरी कॉल मिल के पास नया नंबर। तो बात करें नादिया से। चले कोई बात नहीं, करवाए इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं कहती हूँ आपका ये जोश है ना, वाह 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 वाह, क्या मैं इसकी बात करूँ, क्या आपका स्पीकिंग स्टाइल है, क्या आपकी आवाज है, क्या बात है, क्या आपकी स्माइल है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। वो हमारे पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है आप, नाइस एक्ट्रेस। थैंक यू। बहुत स्मूथ सी एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी सी, बिल्कुल छू जाने वाली। मैंने आपकी और आपकी हबी की पिक्चर देखी है, आपका कपल भी ऑसम है, अमेजिंग, प्यारा है ना, प्यारा है, बहुत खुशियाँ दिखाए माशाल्लाह। और कोई सवाल भी कर लो महरीन, करेंगे आप वापस आए, आपका ड्रामा देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपके लव्स कैसे हैं, वो सब बातें करेंगे हम 11 बजे की ब्रेक के बाद। 11 बजे की ब्रेक के बाद महरीन, थैंक यू सो मच। फास्ट एंड फास्ट नेक्स्ट लाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उस्मान साजिद? अल्लाह का शुक्र आपने। चीते सवाल करो फिर हमारी जबरदस्त गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट मुझे मेंशन करना है कि आप इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, इवन मजा आ रहा है आपकी बातें सुनने का, आपकी स्माइल वो जो बत्ती सी वाली प्रॉपर स्माइल करती है, इतनी नॉटी है वो कि बस। और क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने पर्सनली अपनी लाइफ में कभी यानी कि खुद के लिए टैकल कोई सिचुएशन को करना हो तो किस तरह यानी कि आप हमें रेफर करें कि आप किस तरह हैंडल करते हैं? आप ऐसा मौका आ जाए उस्मान, गुड क्वेश्चन, राइट राइट, बताइए। बता दूं? हाँ बताइए। सिचुएशन कोई लाइफ में आए, सच्चाई से, सच्चाई से मेरे लिए सबसे जो बड़ा असला है जिंदगी में ना आपका, वो आपका अपना सच, सच है, सच है, सच है, अपने आप से सच बोले सबसे पहले, और फिर जो भी सिचुएशन आती है मेरे ख्याल में ऑनेस्टी के साथ डील करें। ग्रेट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? आमिर शेखपुरा। आमिर शेखपुरा से ये सवाल करेंगे नातिया जमील से, राइट। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? आप खाने में कौन सी चीज पसंद करते हैं? ओए ये क्या सवाल पूछ लिया आपने। खाने में मैं जो चीज अच्छी बनी हुई होती है मैं पसंद करती हूँ, और मैं अच्छे खाने की पुजारी हूँ। जा रही हैं क्या खाती हैं? बहुत शौक से घर में। अच्छा, मुझे वो पिशावरी तिक्के नहीं होते चर्बी में बने हुए, वो मुझे बड़े पसंद हैं। ठीक है। आलू गोश्त पुलाव बड़ा पसंद है। सुपर। अच्छी दाल तड़के वाली बनी हो मुझे पसंद है। आप भी इस खाने के मामले में देसी एट हार्ट? नहीं नहीं, नॉट ओनली देसी, आगे बताइए फिर। कुछ भी है। अच्छा, स्टेक मुझे पसंद है। चिकन आला कीव होता है ना, उसमें वो मुर्गी का पीस होता है, काटे तो मक्खन निकलता है ना। खाने के बारे में मैं बहुत हूँ अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं हुमा बात कर रही हूँ। हुमा कैसी हैं? ठीक ठाक ठीक ठाक। आप हुमा कैसे लग रही हैं आपको बातें नादिया जमील की? नादिया जमील की मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी, और साथ सानिया से आपने बात करवा दी तो आपने चार चांद लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? शुक्र बहुत अच्छी हूँ। अब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और आप बहुत अच्छे ड्रामास मैंने जो भी देखे हैं बहुत अच्छे हैं, और बस आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी हैं। और डॉक्टर से मैंने ये कहना था कि आपने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई विल टेल टुनाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हाँ, एक बहुत, अभी हम 11 बजे की ब्रेक के बाद एक और गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे अपने शो में, जो कि एक बहुत वेलकम देंगी हमारी सुपर गेस्ट को। ठीक 11 बजे की ब्रेक के बाद एक लास्ट कॉल पिक करते हैं बिफोर द 11 बजे जी। आज के शो सुपर हिट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बात नहीं कर रहे इतना टाइम नहीं साढ़े को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, क्या नाम है सर? जियाद भाई, मैं माजिद कुरैशी बात कर रहा हूँ। माजिद कुरैशी, क्या सवाल करेंगे आप? माजिद 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 कुरैशी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या है आपकी? मैं बिल्कुल सेट हूँ।
अभी जी एक्चुअली मैं आपके ना थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ना जो आपके शो में सही सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने चाहा कि चलो जो है ना सलाम दो सलाम ही कर लो। थैंक यू सो मच जी। लिसनर्स टाइम हो गया कमर्शियल ब्रेक का, न्यूज ब्रेक का। दिस इज नादिया जमील, हैविंग अ वेरी गुड कप है ना, जबरदस्त चाय बहुत अमेजिंग बनाई है इन्होंने। और एक गेस्ट हमारे साथ और आएंगी और उनको हम इन्वाइट करेंगे पूरे शाहरुमान से। जी हाँ, फिलहाल डॉक्टर जहाज चाहते हैं आपसे इजाजत थोड़ी देर के लिए, आते हैं ब्रेक के बाद। नादिया जमील से बातें बहुत सारी करनी है, अभी तो रात बाकी है मेरे दोस्त। ओके जी, वेलकम बैक। बहुत ही झनकार के साथ हम इंटरव्यू में। दिस सॉन्ग इज अमेजिंग नादिया, कैसी हैं आप? वेलकम बैक। मैं ठीक थी, झनकार सुनने से पहले। वो गाना आपका ही था। लेकिन अफसोस कि उसमें झनकार बहुत है। और गाना है कैंदे ने नैना, बिल्कुल ठीक है। और नादिया जमील वेलकम बैक। और जनाब जनाब जनाब, इस वक्त नादिया आप जानती हैं कि आपकी एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड और हमारे लिए बहुत ही ऑनर, बचपन की दोस्त कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहन, जो मैंने जिन्हें ज्वाइन किया, लेकिन उसमें लेके हम उनको इनवाइट करें। आई एम ऑनर्ड कि मेरे इस 4 साल कैरियर में यहाँ पे वो किसी गेस्ट के होते हुए नहीं आई, लेकिन आज उन्होंने हमें ये ऑनर दिया कि हमारे बहुत ही अपनी हमारी स्टेशन डायरेक्टर साहिबा, आज उन्होंने हमें ऑनर दिया है। मिसेस शफकत हमारे साथ है, हीना भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बड़ी बात है वैसे, आज आप मतलब संडे को हमारे शो में नादिया के लिए। अच्छा, आवाज कितनी अच्छी आप है ना, ये भी शो करती है। मैं करती थी, मीठी दरीन, मीठी दरीन आवाज है इनकी। वेलकम अबोर्ड जी। और आई एम ऑनर्ड के मेरे शो में आई है। जी जी जी, नहीं वैसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ आज कि आप हमारे गेस्ट कि आज मैं आपकी। हाँ जी बिल्कुल, तो कैसी हैं आप? अच्छा बताएं कि नादिया को आप कब से जानती हैं? सर नादिया को बचपन से जानती हूँ, कुंभ के मेले में बिछड़ गई। तो फिर आज बहुत अरसे बाद रजा की तरफ मुलाकात हुई, तो मैंने कहा नादिया तुम किधर थी, क्या कर रही हो? मैंने उनकी लेफ्ट आंख के नीचे तिल बचा लिया। मैंने कहा आखिरकार इतने दिनों बाद हम बिछड़े हुए मिल गए FM 103 के इस प्लेटफॉर्म। यस बिल्कुल ठीक है, एंड वी आर ऑनर्ड कि आप दोनों लेडीज हमारे साथ हैं। खूबसूरत लेडीज जब आती हैं हमारे शो में बहुत अच्छा लगता है। स्टूडियो सज जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो नादिया आपको हमसे प्यारी सी बात शेयर करें इनके हवाले से। नो, ये बातें जो है ना, ये हमें 11:15 के बाद आप पूछे। और ये गाना आप साथ गाएंगे कि नहीं गाएंगे हमारे साथ? ये कहते ना नैना, आप दोनों साथ गायना। आज का शो बहुत ही हटके जा रही है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं झनकार भी देती हूँ। हाँ, मैं गाती हूँ, ठीक है? आप ये क्या कर रही है? तैयारी कर रही हूँ। कहते ने नैना, वैसे मैं कॉल ओपन करी लेसन की, लोग बच्चे हैं। अल्लाह तेरे कोल रहना, केंदे ने नैना मेरे दिलदार तू ही गहना, केंदे ने नैना। अल्लाह अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग। आई तो कॉस्ट है, बहुत लोग बेचैन हो रहे हैं बात करने के लिए। आई कॉल्स ओपन करेंगे 111 111 103 लाहौर फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। चलो हमें गाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? FM सिस्टर। FM सिस्टर शो सुन रही है नादिया जमील के साथ? बिल्कुल। तो कोई सवाल करें, सवाल बहुत जल्द। सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम नादिया आपकी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सेट। मैंने वाकई आपके ड्रामे बहुत छोटी थी जब मैंने आपके देखे। आप तो गायब ही होंगे बिल्कुल स्क्रीन से। बस बुढ़ापे में सठिया गई हूँ, क्या करूँ। नहीं नहीं खैर, अभी से बुढ़ापा कहाँ आ गया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आप दोबारा से नया सीरियल देख सकेंगी। ठीक है जी, प्लीज PTV पे जरूर आइएगा, लोग आपको बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
جی ہاں بہت ہی جھنکار ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ جازبھائی شمریز بول رہا. شمریز چیتے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سے آپ کو کال آتی ہے؟ کتنے چیتے ہیں؟ زو سے بھی بہت چیتے ہیں ہمارے. اوٹ بنا دیے جمیل. بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادیا آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نادیا آپ بڑی اچھی ہیں. آپ بڑی آپ جازی بھائی کے ساتھ آپ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ کنفیوژ نہ ہوا کرو کہ پاکستانی کون سے ایکٹر کے ساتھ آپ کو کام کرنا اچھا لگتا ہے؟ ہاں اچھا سوال. ہمایوں. ہمایوں کے ساتھ کس لحاظ سے کہہ رہی ہیں آپ کے؟ ہمایوں آئی تھنک میں نے اپنا پہلا سیریل ہمایوں کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو میں آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود ہم. اوکے. یو نو ہی از اے گڈ فرینڈ. اس کے بعد ساجد حسن. امیزنگ نام ہے نا. بریلینٹ ایکٹر. بالکل. میرا بڑا دل ہے کہ میں ندیم صاحب کے ساتھ کام کروں. میری خواب ہے خواب. مجھے بتائیں کہ جو ہم نے سنا ہے کہ جا رہی ہیں باہر, یہ کیا چکر ہے؟ جو ڈراما شیکسپیئر کا ڈراما ہو رہا ہے وہ اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ اولمپکس کے لیے 2012 اولمپکس میں پاکستان حصہ لے رہا ہے اور ہم ایک پلے لے کے جا رہے ہیں شیکسپیئر کا ٹیمنگ آف دا شرو اردو میں. دعا مانگیے گا عزت رہے. ان شاء اللہ بہت اچھا ہونے والا ہے ان شاء اللہ. بہت سارے ایسے میسج میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مدھو کہتی ہیں شو از اعلیٰ. محسن علی ہیں سندر لاہور سے, شو از فینٹاسٹک. عفیفہ کہتی ہیں آپ کا شو بنداس ہے. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں ہابیز. جی جی ہابیز. آئی لو ٹو ڈانس. آئی لو ٹو ڈانس اور مجھے اونچا پڑھنا بہت پسند ہے. اوکے گریٹ. شاعری ہو, کہانیاں ہو, کچھ بھی ہو, آئی لائکائٹ کرنا چاہوں. تھینک یو. بلکہ ہم وہ کوشش کرتے ہیں ابھی کچھ آپ سے کروانے کی. کسی کا آئیڈیا میں نے چرا لیا. چوری بات نہیں کریں گی. آج کرتے ہیں انت کا مزہ آنے کا. او یہ گانا ہے تیری میری ایسی دوستی. ہنا اور میرا گانا لگ گیا. گانا نام کر دیا ہنا بھابھی کے اور آپ کے نام کر دیا. ہاں ہاں اس کو سنائیے. بہت بچپن کی یادیں گانے کے بعد. اور ملتے ہیں ہم جبانی کے گانے. ہلو ملتے ہیں ہم کمرشل بریک کے بعد. نادیا جمیل میرے ساتھ ہیں آج لاہور فیصل آباد. السلام علیکم. Your weekend's booked with Dr. Ijaz Suarez. More man than the rest. Only on Must FM 103. People in radio love their job. جی ہاں, بہت ہی ہم نے امیزنگ یادوں بھرا سانگ چلایا ہے. اور اس کی کیا یاد تھی نادیا میں سے بائے دی وے؟ اس کی یاد یہ تھی, اور علی اگر سن رہے ہوں گے میرے ہاتھ تو وہ کان میں میاں گھسا کے بند کر دیں گے اپنے کان. لیکن یہ یاد علی اور میں ڈرائیو پہ نکلے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اپنے جوانی کے دنوں میں اور ڈیفینس اس وقت سنسان ویران بیابان جنگل تھا. ٹھیک ہے. خالی خالی پلاٹس تھے بڑے بڑے. اور میں اور علی ہم نے گاڑی پارک کی اور یہ گانا لگایا, ہاتھ پکڑ کے گھوم رہے تھے ایک دوسرے کو, اور شاہین اسکواڈ آ گئی. وہ اس نے رائفلز نکالی, میں باہر کھڑا کر کے سنایا. علی نے اپنی پتنی سکوں کی گھڑی دی تو ایک ریپٹا مارا. یہ یاد ہے پیاری سی. بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اور کچھ کالرز کو شامل کریں گے ہم جو کہ لائن پہ انتظار کر رہے ہیں. پاکستان میں رومانس ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل بہت مشکل ہے نا جی. بندوق کی نوک پہ رومانس کیا جاتا ہے. تو بالکل چلیں گے ٹورز دا کال. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہلو. ڈر گیا اب نہیں کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محسن. محسن آپ کیا سوال کرو گے نادیا جمیل سے؟ Actually, I'm not familiar with the Pakistani drama.